समग्र ब्रह्मांड में सर्वोत्तम कहवाता फाफड़ा गाठिया पीड़ा बेसन मांथी गोरा बनी देखाव में पातळा बहार थी देखाता कड़क मों में मुकता रवो रवो थई अने ओगळी जाय। जाणीता शेफ विकास खन्नाए एटले ज मास्टर शेफना एक एपिसोड में एवुं कह्युं के दुनियाभर में लोट मांथी अलग अलग आकार मांथी बनावाता रोटली रोटला कुलचा नान पास्ता पीझा के पछी मोमोज बधुं ज सहेलुं पण बेसन मांथी पातळा फाफड़ा बनावा सौथी अघरी कला छे अने जे फाफड़ा बनाववामां माहिर होय तेनुं कहेवुं ज शुं। अने दशेरानी उजवणीमां घरे घर में खवाता फाफड़ा बनावा माटे जोईए फक्त 4 सामग्री अने परफेक्ट माप साथे नानी नानी टिप्स एटले सौथी अघरा लागता फाफड़ा सहेलाईथी घरे बने। एकदम सफेद अने सोफ फाफड़ा बनावा माटे वस्तुनो परफेक्ट माप जोईए माटे में अहीं वजन काटो लीधो छे। फाफड़ा बनावा माटे पहली सामग्री छे बेसन। बेसन क्यों वापरवो ने ए हूँ तमने आगळ कहीश पण आ बेसन वजन करी 250 ग्राम लेवानो छे। हवे लोट बांधवा माटे एक पोळा मोटा वासणनी अंदर चाळणी राखी वजन प्रमाणे लीधेलो 250 ग्राम बेसन छे ने ते चाळणीमां उमेरी अने चाळी लेवानो छे। चढ़ायेलो बेसन लेवाथी फाफड़ा कोई पण जातना गाठा वगरना एकदम सोफ्ट बने छे पण हाँ नॉर्मल कोई पण पेकिंगनो के अलग बेसन लेवाने बदले फाफड़ा बनावा माटे हमेशा फरसाणवाळानी दुकानेथी अथवा तो गाठिया बनावता होय ने तेनी दुकानेथी ज बेसन लेवानो कारण के फाफड़ा अने गाठिया बनावा माटेनो एक खास अलग बेसन आवे छे। अहीं बधो बेसन चढ़ाई गयो छे तो फाफड़ा बनावा माटे बीजी सामग्री वजन प्रमाणे लईए ने तो 250 ग्राम बेसन सामे 3 ग्राम पापड़ खार लेवानो छे। करियाणानी दुकानमां पापड़ खार एकदम सहेलाईथी मळी जाय छे। जो पापड़ खार बदले बेकिंग सोडा उमेरवो होय ने तो उमेरी शकाय पण परफेक्ट गाठिया बनावा माटे पापड़ खार उमेरीए ने तो फाफड़ानो एकदम परफेक्ट रिजल्ट मळे छे। तेनी साथे वजन प्रमाणे 7 ग्राम मीठू लेवानुं छे। वजन थई गयुं छे तो हवे चढ़ायेला बेसनमां वजन प्रमाणेनो पापड़ खार अने मीठू छे ने ते उमेरी दईए। साथे जेना स्वाद वगर फाफड़ा अधूरा छे ने ते 1/2 टीस्पून अजमो हाथ में लई सहेज एवो मसळी लेवानो जेथी तेनी फ्लेवर उभरी अने बहार आवे अने त्यार पछी आ अजमो लोट में उमेरी देवानो। हवे साथे वजन प्रमाणे 25 ml तेल पण उमेरी दईशुं अने बधुं हाथ वडे एकदम सरस मिक्स करी लेवानुं छे। बधुं भळी जाए पछी अहीं 1/2 कप पाणी लेवानुं छे जे माप प्रमाणे एकदम परफेक्ट छे। आ पाणी शुरुआत में जोईए ने ए प्रमाणे उमेरता जई अने फाफड़ा गाठिया बनावा माटेनो लोट बांधवानो छे। आ लोट छे ते बहु सोफ्ट पण नहीं अने बहु कठण नहीं ने तेवो बांधवानो। अहीं लीधेलु बधुं पाणी उमेरी दीधुं छे अने वळी बेसनमां पाणी उमेरवाथी आ लोट एकदम चीकास पकड़ी ले छे जेथी हाथमां चीपकतो पण जशे छतां पण हाथमांथी उखाड़ता जई अने सतत मसळी आ बेसननो लोट बांधवानो छे। बधुं सरस मिक्स थई जाय ने पछी जुओ अहीं आपणे जोईए ने ते कन्सिस्टन्सीनो लोट बंधाई गयो छे तो उपरथी 1 चमची जेटलुं तेल उमेरी देवानुं अने लोटमां मिक्स करी तेमां लोट मसळवानो जेथी कथरोटमां चीपकतो लोट पण बंध थई जशे अने एकदम सरस लूवामां आ लोट आवी जशे। आ रीतने लोटने थोड़ो एवो मसळी लीधा पछी अहीं जुओ लोटनो कलर मसळाई अने हवे थोड़ो उजड़ो थई गयो छे अने आवो उजड़ो थशे ने तो एमांथी एकदम सफेद रूह जेवा पोचा फाफड़ा बनी अने तैयार थशे। हवे आ बंधायेला लोटमांथी नानो एवो लूवो हाथमां लेवानो छे। फरसाणवाळानी दुकाने पण आपणे जोईए छे के फाफड़ा बनावा माटे लाकडानो पाटलो वापरवामां आवे छे जे लांबो अने पહોळो होय छे। અહીં મેં પણ 16 इंच बाय 9 इंचનો લાકડાનો પાટલો લીધો છે અને તેની સાથે બનેલા ફાફડા ઉખાડવા માટે પટ્ટી ચપ્પુ લેવાનું છે જે માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જાય છે। સ્ટેન્ડ પર ફાફડા વણતા સમયે પાટલો ખસી ના જાય એટલે નેપકિન ઉપર પાટલો ગોઠવ્યા પછી આ પાટલા ઉપર સહેજ એવું તેલ ઉમેરી અને લગાવી લેવાનું છે જેથી આ પાટલાની સરફેસ થોડી એવી ઓઇલી થઈ જાય પણ તેલ વધારે નહીં લગાડવાનું। જો વધારે તેલ લગાડીએ ને તો ફાફડા બનાવવા સમયે પાટલા ઉપર ચીપકશે નહીં અને એક का फाफड़ा नहीं बने। तेल लगावाई जाए ए पछी लीधेलो बेसननो लोहो पाटला पर राखी आ रीते हाथनी हथेळीनो नीचेनो साइड एटले के व्रिस्ट थी आ रीते लुवाने एक सरखू प्रेस करी अने फाफड़ो तैयार करवानो छे। लुवा उपर छेक सुधी एक सरखू वजन आपवुं जरूरी छे जेथी ते फाफड़ा बने ने ते बनी अने एक सरखा पतला थशे। हवे एक फाफड़ो हाथ थी बनी अने तैयार थई गयो छे तो हथेड़ी में लागेलो बेसन छे ने ते चप्पू वडे पहेला उखाड़ी लईए अने त्यार पछी फाफड़ा पर एक साइड थी आ रीते चप्पू फाफड़ाने नीचे सरकावी अने एक ज झटकाथी तुरंत ज आखो फाफड़ो पाटला परथी अलग करी लेवानो। त्यार पछी उखाड़ेलो फाफड़ो हाथमां लई गैसनी लो फ्लेम पर गरम थता तेलमां धीमे रही अने उमेरी देवानो। बेसनનો લોટ એકદમ સ્ટીકી હોય છે એટલે શરૂઆતમાં ફાફડો હાથથી તૈયાર તો થઈ જશે પણ ચપ્પુથી ઉખાડ્યા પછી પાછો પાટલા પર ચીપકી જશે માટે બહુ ધ્યાન રાખી અને સ્પીડમાં પાટલા પરથી ઉખાડી તુરંત હાથમાં ફાફડો લઈ અને તેલમાં ઉમેરી દેવાનો છે આ થોડુંક એવું ટ્રિકી કામ છે પણ એક કે બે વખત આ રીતે ફાફડા બનાવતી વખતે શરૂઆતમાં ફાવશે પણ નહીં અને બગડશે પણ ખરા પણ ફરીથી એ જ લોટ વાપરી અને 2 થી 3 વખત કર્યા પછી ઈઝીલી ફાવટ આવી જશે અને આ રીતે फाफड़ा बनी अने तैयार थशे। मोटी कढ़ाई में तेल में आ रीते 2 થી 3 बनावेला फाफड़ा उमेरी अने गैसनी लो फ्लेम पर ज तेने तळावा देवाना। ते जाते तळाई अने उपर आवा देवाना अने पछी एकदम हळवा हाथे झारा वडे साइड चेन्ज करी आ रीते बीजी साइड पण फाफड़ाने तळावा देवाना छे। गैसनी फ्लेम लो ज राखता लगभग 4 થી 5 मिनिटमां आ फाफड़ा तळाई जशे अने थोड़ा एवा सोफ्ट पण लागशे। आ समय कलर चेन्ज न थाय ने ए पहेला फाफड़ाने तेलमांथी बहार काढ़ी अने एक डिशमां राखी देवाना। ठंडा थशे एटले आ फाफड़ा एनी रीते ज फरसा क्रिस्पी थई जशे अने अंदरथी सॉफ्ट पण रहेशे। आ रीते बाकीना लोटमांथी नाना नाना लूवा लेता जवाना अने एक एक फाफड़ो हाथ वडे ज बनावी तेल में उमेरता जई बधा फाफड़ा तैयार करी लेवाना छे। तमे नहीं मानो पण हूँ पण रेग्युलर फाफड़ा घरे नथी बनावती पण तो क्यारेक ज बनावुं छुं तो पण 1 થી 2 वखत ट्राय करवामां ज आ फाफड़ा एटला सरस अने एटला सॉफ्ट आ परफेक्ट माप साथे एकदम पतला अने मोंमां मूकता रवो रवो ओगळी जईने एटला सरस बने छे। અહીં 250 ग्राम बेसन में 450 ग्राम फाफड़ा बनी अने तैयार थाय छे। बनेला आ फाफड़ा तमे जोई पण शको छो के एकदम दूध जेवा सफेद अने उजड़ा बनी तैयार थया छे। एकदम पतला मार्केट में मळे ने एवा ज। आ जाते ज बनावेला फाफड़ा पर हींग स्प्रिंकल करी देशुं कारण के हींग वगर तो फाफड़ानो स्वाद अधूरो कहेवाय। आ गरमा गरम फाफड़ा आटली सहेली रीते परफेक्ट मापथी दशेरा उपर घरे ज बनावीए ने तो एकदम सहेलाईथी बनी जशे अने घरमा बधाने कढी अने तळेला लीला मरचा साथे पीरसो ने तो कोई पण ने ख्याल नहीं आवे के आ घरे बनावेला फाफड़ा छे। तो फाफड़ा बनाववानी परफेक्ट माप साथेनी छे ने एकदम सहेली रीत। बस आज परफेक्ट माप साथे तमे 1 થી 2 ट्राय मां सहेलाईथी फाफड़ा घरे बनावी शकशो। तो आ दशेरा उपर जरूरथी बनावजो अने साथे ज आ रेसिपी तमने केवी लागी कॉमेंट बॉक्स में लखी अने जरूरथी कहेजो अने साथे साथे आ परफेक्ट माप साथे फाफड़ा बनावानी रीत सहेली अने उपयोगी लागी होय ने तो आ विडियो लाइक करी अने शेयर करजो। साथे ज अमारी यूट्यूब चेनल सब्सक्राइब करी अमारा फेसबुक पेज ने लाइक करी अने फॉलो करजो जेथी आवी अनेक उपयोगी रेसिपीना अपडेट्स तमने मळी रहे। तमने तथा तमारा फेमिलीने दशेरानी खूब खूब शुभकामना। फरी मळशुं नवा विडियो साथे, त्यां सुधी आवजो।